प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। पाकिस्तान की जो आवाम है उन्होंने कल से ही प्रोग्राम जो था वो बढ़ गया था उनके लिए। तरक्की हुई उन्होंने बगैर थी मल्ली हुई है। टीम ने आज तक 30,000 से ज्यादा क्राउड को फेस नहीं किया। सो दूरों दूरों की इन्होंने लानत पे जो बगैर थे, इसकी जगह बाबर की जगह मैं होता मैंने 50 लगा देनी थी यार। नहीं नहीं चांस है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारेंगे, इंग्लैंड से भी हारना है, चांस है हमारे, न्यूजीलैंड से भी हारना, साउथ अफ्रीका से भी, न्यूजीलैंड से हाँ हारेंगे वो तो मैं देख रहा हूं। इंडिया तो नहीं हारना चाहिए था ना, बाकी सारी टीमें तो आगे दल्ले बगैरत लोग, पाकिस्तान आन फिर इन जुतियां पुआ हार। वालेकुम अस्सलाम, बाजी की हो या बगैरती हो ये और की होना इतने तरक्की हुई उन्होंने बगैरती मल्ली हुई है, इन्होंने तरक्की मिल गई इस वजह तो मैच खेल रहे हैं। अगर दूरों दूरों देखा दूरों दूरों की इन्होंने लानत पे जो बगैर थे, इंडिया तो क्यों हार गए ना यार, इंडिया तो नहीं हारना चाहिए था ना, बाकी सारी टीमें तो आगे दल्ले बगैरत लोग, चीज तो नहीं खा रही थी, खाना खाते रहे जाके रिश्वत ले लेने, रिश्वत ले ली। आहो वैसे वो बाबर भी नहीं चले आज, कोई भी नहीं चले आज, और इन्हें किसी चीज गैरत नहीं है भाई, उसका नंबर वन प्लेयर ने, नंबर वन बस नाम नहीं है, बस नाम की है, नाम की है, जब परफॉर्मेंस आती है तो खत्म, बस बस इनकी तरक्की होगी, बस इनको पता है एक साल हमने कमा लिया बस। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान के फैन है, हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है और हार जीत होती रहती है। देखें जी अभी पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट ऑन है, अभी तक भी पाकिस्तान की टीम के लिए फेयर चांसेस हैं। जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, हाँ तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ऐसा नहीं टाइम पे गाना गा दिया उसने, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले ही पता था, ये थोड़ा पहले से ही हमें पता था, क्योंकि मैं थोड़ा क्रिकेट के बारे में एनालिस्ट भी हूँ, और क्योंकि हमें पता था पहले से, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सबको पता था कि पाकिस्तान की टीम हल्की है एज कम्पेयर टू इंडिया, सीधी सी बात है, यानी होम ग्राउंड है, 1,32,000 का क्राउड है, सब उनके नारे लगा रहे हैं, चीजें मैटर करती है। पाकिस्तान की टीम ने आज तक 30,000 से ज्यादा क्राउड को फेस नहीं किया, सो दैट्स क्वाइट 1,28,000 गया, जब 1,30,000 क्राउड होगा तो उनपे, यानी जब बाबर आजम ने कवर ड्राइव मारी थी तो आपने देखा था पूरा क्राउड चुप हो गया था, खामोश हो गया, और उस टाइम पे जो कमेंटेटर बैठे हुए थे रवि शास्त्री और उनके साथ मैथ्यू एडन बैठे हुए थे, तो मैथ्यू एडन ने एक ना बड़ा फनी सा एलिमेंट दिया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका, वो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। उन्होंने ये कहा कि रवि शास्त्री से कि रवि शास्त्री आप मुझे बताएं कि लाइब्रेरी में ज्यादा साइलेंस होती है या फिर इंडियन जो अहमदाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें जब बाबर आजम कवर ड्राइव मारते हैं तब ज्यादा साइलेंस होती है या लाइब्रेरी में। ये हारना ही है, मैंने तो आपको पहले बताया था भाई ने, पहले बताया था। अच्छा अब क्या फील कर रहे हैं, अब तो क्या बहुत बुरा फील कर रहे हैं यार, हम इतनी दूर से इधर देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर मैच, गंदी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसकी जगह बाबर की जगह मैं होता मैंने 50 लगा देनी थी यार, ये क्या रिश्वत खाई है इन्होंने और क्या लग रहा है, मैच क्लियर पता चलता है इन्होंने मैच फिक्स किया हुआ है, ये देख ले रोहित शर्मा इनकी कैसे धुलाई कर रहा है, छक्कों पे छक्के हिटमैन अटैक कर रहा है, हर बाल पे अटैक कर रहा है वो, इसने साल डेढ़ साल से अनफिट है, अब ऐसे फिट कैसे हो गई। अब इन्होंने जब रिश्वत खाई है, रोहित शर्मा ने घर बुलाया बाबर को स्पेशली फ्लाइट पर, तो फिर जाहिर सी बात है आप भी समझ सकते हो क्या मसला है, नंबर वन बॉलर ने बस नाम क्या है नंबर वन भाई, वो तो जेरा प्लेयर पूरा साल नहीं चले छक्के मार रहे हैं, बस जी इस तरह ही है ना, इन्होंने होर होनी चाहिए फैंटी, होर फैंटी पेगी, इलाज है पाकिस्तान आन फिर इन्हें जुतियां पुआ हार। नहीं यार हमारी टीम है थोड़ा प्यार शेयर भी तो करना चाहिए, प्यार ए, प्यार दे लैट दे आगे दे ना प्यार करिए, नहीं तो कोई खास मैसेज देना चाहिए बाबर नु कोई या किसी टीम नु कोई मैसेज दे कोई, बस आमर नु बुला ले तो बेहतर है, बेहतर है हां जी, उन्हें दोस्ती यारी दे पीछे इथे छड़ गए, बस पर्चियां ले रहे हैं आजकल, दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है ना इन्होंने, दोस्ती ना हो तो फिर तो टीम ही अच्छी हो जाए, आगे उम्मीद है वर्ल्ड कप में क्या आगे कुछ जीतेंगे, नहीं जी हूं आए 2-3 दिन से कर बस वापसी की तैयारी है, कैसे जनाब, बहुत बुरा बहुत बुरे हाँ। अभी जो फीलिंग बुरी है वैसे बुरे हैं, जिंदगी नहीं जीना चाह रहा अभी मैं, मतलब दिल से फुल दिल मुंह में आया हुआ है बिल्कुल, तुझे क्या बाबर आजम की वजह से हुआ है, टीम की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, नहीं बाबर आजम को क्यों कह रहे हैं, हमारी सारी टीम खेल रही है, अकेला थोड़ी किया, उसको कुछ नहीं कहना यार, वो लव है, वो वाकई लव है, एक खान साहब लव है एक बाबर आजम लव है, वो क्रिटिसिज्म नहीं करना यार, जायज कर्टन तो बनता है, लेकिन क्योंकि 11 बंदे खेल लेंगे, वो अकेला गया तो उसको बंदा पकड़े, उसने 50 भी किया, बाकी 8 ने क्या किया, 30 पे आउट हो गए सारे, 49 रिजवान रिजवान शुक्रिया, आपने 50 क्यों करने दिया, बोले से फेंक देते इसको, रिजवान माड़ा बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर बहुत ज्यादा, तो अभी क्या चांस है पाकिस्तान के पास आगे जाने का, कई मैचों मुझे में क्या सारी गई, नहीं नहीं चांस है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारेंगे, इंग्लैंड से भी हारना है, चांस है हमारा, न्यूजीलैंड से भी हारना है, साउथ अफ्रीका से भी, न्यूजीलैंड से हाँ हारेंगे, वो तो मैं देख रहा था कि अभी उस पर लिखा था मौत का खेल तो अब शुरू हुआ है,
नहीं नहीं ये बस हमारा टाइम जाया हुआ है। टाइम जाया हुआ है कहाँ से आए वैसे? मैं इधर ही रहता हूँ बैरिया में, लेकिन फिर भी घर से उठ के आना। ये तो छोटे स्क्रीन वाला मैच नहीं था, बड़ी स्क्रीन पे देख रहे थे। बिल्कुल ऐसे गर्मी भी स्क्रीन थी, यहाँ पे इधर जाकर देखते। कजन भी आ रहे थे, वो एक बार टाउन से आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, वो मुझे गालियां दे रहे हैं। मतलब ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने थोड़ी तंजिया मिजाज में उन्होंने इंडिया की की। लेकिन अगर मैच की बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग ने ऑब्वियसली आज डिसअपॉइंट किया है, और जिस तरह से हम पाकिस्तान की बैटिंग से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे श्रीलंका के गेम, उन्होंने 345 रन चेज किए हैं, यानी बिगेस्ट चेज है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। तो पाकिस्तान की बैटिंग से थोड़ी ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन थी। ऑल्दो हमारी बॉलिंग अभी तक उस तरह फॉर्म में नहीं है, हम सब जानते हैं शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हमने अच्छा कमबैक करने की कोशिश की। लेकिन देखें जी, जब 190 बोर्ड पे होता है ना, तो अगली ओपोजिशन को पता होता है कि हमने किस तरह जाना है। तो इंडिया को इजी पता था कि हमने भाई किस तरह से चेज करना है, उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। ऐसा भी होता तो शायद उनको नख डाल लेते। अब अगर आपके बॉलर्स का हम कसूर बनाए तो मेरा ख्याल है ये जाती होगी। और कैप्टन के साथ भी अगर हम कहें कि बाबर आजम ने ये गलती कर दी, ये भाई मसला ही नहीं, वो अपनी गलती कर गया है, बाकी 10 प्लेयर है वो भी तो कुछ करे ना यार। मसला ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम जब 158 रन कर लिया था, दो खिलाड़ी आउट थे, यहाँ पे बाबर आजम आउट हुए, उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने कमबैक किया ही नहीं। वो एक नेम बंदी ने कि बाबर आजम ने जाकर पूछा कि जी उसके बाद प्रोग्राम जारी है या खत्म हो गया? हाँ जी प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने कल से ही प्रोग्राम जो था वो बढ़ गया था उनके लिए, जब चेयरमैन पीसीबी वहां पे जाके बैठे हैं ज़कात अशरफ साहब। तो हाँ जी बड़े लोग अब कहेंगे कि ये जो है वो मैच फिक्स था या जो भी था, इस पे भी हम एनालिसिस करेंगे अपने चैनल पे। अभी कुछ तो गोल हुआ है जी, कुछ तो वाकई गोल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैच ड्रॉप नहीं किया, वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया जी, वर्ल्ड कप ही ड्रॉप कर दिया। क्या फायदा अब दूसरे मैच जीतने का? मेन मकसद बाबर को दे दी मैसेज, बाबर को मेरा यही मैसेज है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते तो कैप्टन ना बने। आपका शुक्रिया, हमारा दिल तो ना तोड़े आप, छोटा सा दिल है, कितनी बार तोड़ोगे यार? वो परफॉर्मेंस नहीं ठीक ना, वो बैटिंग की, वो बाबर भी आउट हो गया और रिजवान भी, वो तो 50 मतलब करने की ना दी जाती की बॉल रास्ता फेंक देते। उसके बाद वो इफ्तिकार भी बहुत सारे अच्छा, शर्मा की फॉर्म गई थी वापस आ गई है और हमारे खिलाफ ही आई है, कैसे? वो होम ग्राउंड, क्राउड इतना ज्यादा है और ग्राउंड भी होनी चाहिए, और हमें वीजा नहीं मिले, वीजे नहीं मिले और एक भी झंडा नहीं देखा पाकिस्तान का ग्राउंड में। दैट्स ऑल। आगे के लिए कोई मैसेज देना चाहिए बाबा को या पूरी टीम को, कैप्टन साहब? अभी बॉडी पाकिस्तान को अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उठा के रखनी है, और प्लेयर्स को ये नहीं सोचना कि हम अभी भी वर्ल्ड कप ऑन है। देखें आपके पास 9 मैचेस है ना टोटल, आपने 9 मैचेस खेलने हैं अभी, आपका साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 खेल जो अब शुरू है आपके, और आपको अगले हमने अभी 3 मैच खेल लिए आज का मिला के, 3 में से हमने 2 विक्ट्रीज ली हैं। तो अगले जो पाकिस्तान के 6 मैचेस हैं उनमें से पाकिस्तान को 4 मैचेस जीतना है, यानी 6 मैचेस अगर आप जीतेंगे तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे इजीली। लास्ट टाइम 100 पे बात आ गई थी, इस दफा भी है उम्मीद की 100 पे आनी है? 100 पे आएगी बात, क्योंकि आज जिस तरह की आपने डिफीट दी है इंडिया के अगेंस्ट, मतलब आपकी जो 100 पॉजिटिव में थी वो एकदम नेगेटिव में चली जाएगी, और शायद आपकी टीम आपको बॉटम ऑफ द टेबल नजर आएगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द टेबल तो नहीं होगी क्योंकि जो टीमें बाकी हारी हुई है वो बॉटम ऑफ द टेबल है। तो पाकिस्तान की टीम जो टॉप 4 में पहले लाया कर रही थी, अब वो टॉप 4 में नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है 6 या 7 नंबर पे चली जाएगी आज की डिफीट के बाद। लेकिन पाकिस्तान को अपना रन रेट बेहतर करना है, और वो रन रेट पाकिस्तान किस मैच में बेहतर कर सकता है अब पाकिस्तान को ये सोचना है, क्योंकि अगले 6 मैचेस उनके इतने आसान नहीं होने वाले, क्योंकि अफगानिस्तान का मैच है आपका चेन्नई में, चेन्नई में टर्नर विकेटें होती हैं, स्पिनर्स पे स्पिनर्स को हेल्प, नंबर 1 स्पिनर्स, और वहां पे पाकिस्तान का स्पिन अटैक आपको पता है, इस टाइम पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स जो हैं वो मोर बैटिंग ऑलराउंडर हैं, ना कि वो बॉलिंग स्पिनर हैं। जो अच्छे स्पिनर हैं उनको तो इधर ही छोड़ गए, अच्छे स्पिनर हैं। मैंने अपने कल वाले जो वीडियो मैंने डाली थी अपने चैनल पे, उसमें मैंने ये बताया था कि उसामा मीर को खिलाना होगा आपको, मतलब शादाब खान को आपने वाइस कैप्टन बना दिया है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती, हर मैच में नहीं वो चल रहा, मतलब काफी देर से परफॉर्मेंस तो उसकी है ही नहीं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। आप मुझे शादाब खान की कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस बता दें जिसपे उनको वाइस कैप्टन ना, वो बैटिंग में ना बॉलिंग में तो क्यों रखा हुआ, ये दोस्तियां भी चलती हैं। वो मैं किसी की एक एनालिसिस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्या शादाब खान ने वो जो एक रिव्यू लिया था इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बेस पे खेल रहा है, उसकी बेस पे उसको वाइस कैप्टन बनाया गया, यानी एक रिव्यू की बेस पे हम भी कर लेंगे यार, सानू भी को टीम। और दूसरी उनकी जो बेसिस मुझे नजर आती है वो ये कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टेंसी करते हैं, शायद ये उनकी वजह हो सकती है, कोई बिल्डिंग गर्ल सपोर्ट कर रही है कोई, और मुझे उनकी कोई वजह नहीं, कोई अमीर इस्लामाबादी बच्ची सपोर्ट कर रही है, बस इसी तरह पिंडी वो आया है ना, तो इसलिए पिंडी पिंडी मिल रही है।
तो खैर पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट है उनको इतना ज्यादा मतलब मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी आपके लिए वर्ल्ड कप ऑन है तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें। ठीक है, हार जीत एक कह लें कि पार्ट ऑफ द गेम होता है, तो आज पाकिस्तान का बुरा दिन था।